जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में, और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। अब भाई, इस शेयर में जो चल रहा है वो कुछ अलग लेवल का जो है गेम चल रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी हमें इस TTML के शेयर में देखने को मिल रही है। कुछ वजहों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो हमें ये देखना होगा किस वजह से, किस रीजन की वजह से ये इतना ज़बरदस्त भाग रहा है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी होगी वो देखनी होगी कि किसके अगले टारगेट क्या होंगे। हिस्टोरिकल चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्क करे हुए उनके बारे में बताऊँगा। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जैसे ही इसका पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, इसमें एक रॉकेट मूव आएगा और वो आप देख रहे हैं। अब अगला लेवल क्या होगा, क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या ये शेयर सही में एक मल्टी बैगर बहुत बड़ा बन सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स सामने निकल के आए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है उसे भी दबा दो, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी किसी भी शेयर से रिलेटेड वो आपको मैं बता दूंगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आपका कोई भी शेयर हो उसके रिलेटेड कोई सवाल आपके हो तो मैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है मार्केट से रिलेटेड या मेरा कोई पर्सनल ट्रेड होता है वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब टेक्निकली स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आए हैं इस स्ट्रक्चर में उसके बारे में हम तो बाद में बात करेंगे ही, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें देखना होगा कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स। अब इस वीक जो है टाटा टेलीकम्युनिकेशन के नंबर्स आने वाले हैं, TTML के नंबर आने वाले हैं, और उससे पहले जो हम देख रहे हैं डेली चार्ट में वो हमें ज़बरदस्त अपर सर्किट के आप बोलना शुरू करो तो मैं कहूँगा ये 8 जनवरी से ज़बरदस्त तेज़ी हमें इसमें देखने को मिल रही है। अब उसकी वजह कुछ और है इस तेज़ी की, मगर जो इस हफ्ते तेज़ी हो रही है वो रिज़ल्ट के जो है अनाउंसमेंट को लेकर हो रही है कि रिज़ल्ट में कुछ अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, और वो ऐसा क्यों लग रहा है सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें। अगर आप देखें जून 2020 का क्वार्टर देखें आप और सितंबर 2020 का क्वार्टर देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो लॉस में चल रही थी, अगर आप नेट प्रॉफिट की जगह देखें तो -1000 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, वो ज़बरदस्त इन्हें सितंबर में 700 करोड़ का जो लॉस है उसे कवर किया, बहुत अच्छी बात है। EPS बहुत बढ़िया 4% 4 बेसिस पॉइंट कम किया, कैश EPS भी 4 बेसिस पॉइंट कम किया, OPM परसेंटेज में ज़बरदस्त जो है ग्रोथ देखने को मिली है, और NPM परसेंटेज में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त थे। प्लस एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा, अगर आप ऊपर की साइड देख रहे हैं FY 2019 और 2020 की साइड में जो रिज़ल्ट आए थे उसमें रिवेन्यू भले ही कम था, मगर कंपनी उसमें रिवेन्यू भले ही ज़्यादा था माफ़ कीजिएगा, मगर कंपनी का लॉस देखिए 3500 करोड़ के लॉस में कंपनी चल रही थी और इस वक्त सिर्फ 350 करोड़ के लॉस में चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, रिवेन्यू कम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? इस वजह से टाटा ऑल इन वन सुपर ऐप, अब इसकी बातें भाई जो चल रही थी $113 बिलियन की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, उसमें एक सुपर ऐप बनाने की बातें चल रही थी, जिसमें ये चल रहा था कि भाई दिसंबर के एंड तक जो है टाटा इस ऐप को बना लेगी, और साथ ही में टाटा इस ऐप को बनाएगी तो उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल काम है, जो बैक एंड का काम है, वो किस कंपनी को दिया जाएगा, वो दिया जाएगा भाई टाटा अपनी सब्सिडरी को ही देगी, और वो देगी टाटा टेली सर्विसेज को, ठीक है। अब TTML को काम देना होगा तो उसके लिए उसमें ग्रोथ, उसके लिए जो उसके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वही हमने देखा है टाटा ने पंप किया था 3500 करोड़ टाटा क्लिक में, और 1500 करोड़ हमें टाटा जो है टेली सर्विसेज में भी जो है देखने को मिला है। तो अलग अलग जो सब्सिडरीज हैं टाटा की उसमें ज़बरदस्त पैसा पंप होता हमें देखने को मिला है टाटा का जो मेन ग्रुप है उसकी तरफ से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखें तो ये डील बहुत बड़ी है, मगर इसमें एक दिक्कत हो रही है, वो जो डील है वो दूर होती जा रही है, मतलब एक्सटेंड हो रही है, टाइम लेती जा रही है,
मगर उसमें क्या हो रहा है, जो लोग हैं उन्हें एंट्री लेने का, वो कहते हैं ना कि कोई बड़ी डील होती है तो अगर उसे आप एक्सटेंड करते रहोगे तो लोगों के मन में जो है एक्साइटमेंट उस डील को लेकर बढ़ता रहेगा, और वही चीज़ हमें टाटा टेली सर्विसेज में देखने को मिल रही है। आप देखें, मतलब ज़बरदस्त रैली, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये शेयर। बहुत बड़ी डील होगी क्योंकि $25 बिलियन अगर वॉलमार्ट इन्वेस्ट कर रहा है। अब वॉलमार्ट क्यों कर रहा है भाई? वॉलमार्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जियो जो है वो जियो रिटेल में जा रहा है, अमेज़ॉन रिटेल में आने की कोशिश कर रहा है। तो रिटेल मार्केट एक नया जो है, एक ऑनलाइन रिटेल मार्केट एक नया बैटल ग्राउंड इन कंपनीज़ के लिए बन गया है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप वीकली चार्ट में देखें TTML के, या मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट आपको दिखेगा। पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस था वो था ₹10, ₹10.50, इसने बिल्कुल आसानी से तोड़ दिया है। दूसरा था ₹14, उसमें भी बहुत आसानी से तोड़ दिया है। अब तीसरा और सबसे मेन रेजिस्टेंस जो हमें इसमें देखने को मिलेगा वो है ₹20 के आसपास, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लास्ट मंथली हाई, अगर आप देखें तो ये एक आखिरी मंथली हाई है, ये मिलेगा। अगर इसे भी ये तोड़ देता है ना, तो आई डोंट थिंक ये कम से कम ये ₹33 तक जाएगा बिना किसी रुकावट के। और अगर रुकना होगा तो पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा ₹29। तो कुछ लोग मेरे से टारगेट पूछ रहे थे आगे कि क्या टारगेट क्या रेजिस्टेंस होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। ₹20, ₹21 पहला रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो निकालता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई, खुला नीला आकाश है, ₹29 तक आराम से भागेगा, और उसके बाद ₹33। और वो भी निकालता है तो खैर फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। मगर बहुत ज़बरदस्त रैली इसमें देखने को मिल रही है, आपके पास अगर है तो होल्ड करिए। सेल ऑफ इसमें तभी आएगा, या ऑपरेटर इसमें फंसाने की कोशिश तब करेगा ना, जब ये टाटा की जो डील है ये फाइनल हो जाएगी। क्योंकि जब ये डील फाइनल होगी, ये न्यूज़ हर जगह फैल जाएगी, न्यूज़ फैलेगी तो फिर रिटेल का जो नॉर्मल इन्वेस्टर है हर कोई आने लगेगा। उस वक्त ऑपरेटर अपना ट्रैप बिछा के, लोअर सर्किट लगवा के लोगों को फंसाएगा। तो तब तक आप होल्ड कर सकते हैं जब तक ये न्यूज़ डील फाइनल नहीं हो जाती। एंड आई थिंक अगर डील फाइनल हो जाती है, एटलीस्ट 50% आपको निकाल देना चाहिए अगर आप ट्रैप होने से बचना चाहते हैं तो। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, आपका शेयर है। तो दोस्तों यही थी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।